ठहरे खल्के खुदा बन के एक आसरा आ गया आ गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफ़ें तमाम हमदो सना सब मिधतें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम, दुरूद व सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके अस्हाब पर। शान रमज़ान में खुश आमदीद। शान सहर का ये 16वां नशरिया, यानी कि हमारी सहरी की आज ये 16वीं नशस्त, यानी हम 15 नशस्तों को खैरबाद कह चुके और अब तकरीबन उतनी ही नशस्तें बाकी हैं। बिल्कुल निसफ रमज़ान में खड़े हैं। अल्लाह ताला इस माह का और इस नशरियात का, यानी माह रमज़ान का और शान रमज़ान का सफ़र बहुत बाबरकत बनाए इंशाल्लाह हम सब के लिए। जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब तिलावत कलाम पाक से आज की नशस्त का बाकायदा आगाज़ करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ومن يتولهم منكم فأولئك هم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد
فترى النصوح حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अपने बाप भाइयों को भी अपना रफ़ीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। तुम में से जो इनको रफ़ीक बनाएंगे वो ज़ालिम होंगे। ऐ नबी, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप बेटे भाई बीवियाँ और अजीज़ व अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, तुम्हारे वो कारोबार जिनके मांद पड़ जाने का तुम्हें खौफ है, तुम्हारे वो घर जो तुम्हें पसंद हैं, ये सब तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज तर हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। صدق الله العظيم جزاك الله خير صاحب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مزاج بخير خيريت سے الحمد لله آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک ہوں بس میں غلط وقت پہ سو گیا ہوں آج नशरियात से कोई आधा घंटा पहले सो गया हूँ मैं तो अभी उधर इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी हिम्मत है आपकी माशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जज़ाकअल्लाह आपको खुश रखे, खैर आफियत से, सेहत ईमान के साथ रखे अल्लाह आमीन इंशाल्लाह। इत्तेमा से दुआ जज़ाकअल्लाह। जनाब क़ारी वैदुल कासमी साहब ने तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ किया नशरियात का, और मैं ज़िक्र की खातिर, सवाब की खातिर, सआदत की खातिर तहतुल लफ्ज़ के अंदाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अशआर पढ़ देता हूँ। कलाम पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा गला, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। यहाँ ज़ाहिर है जो नात खानी का जो असल मनसब है वो तो जनाब क़ारी भाई ज़फ़र कासमी साहब, फिर हमारे सारे नात खान हज़रात, तो आप मुझसे भी गुजारिश कर देते हैं, या आप लोगों की मेहरबानी है, वरना ज़ाहिर है मैं क्या कोई है ही नहीं मुकाबला। लेकिन वो आप लोग कहते हैं बड़ी नवाजिश है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है ज़रा इन दोनों गले की वजह से, तो इस वजह से ज़रा, लेकिन आप सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। हमने खारी साहब से कलाम सुना और क्या शानदार, कि ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दें, ये दर हबीब की बात है। और अल्लाह ताला सबको मदीना पाक बुलाए इंशाल्लाह, खाने खुदा की ज़ियारत नसीब हो सबको इंशाल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। और वो खुदा नहीं, बा खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। तेरे हुस्न से तेरी शान तक ये निगाह वक्ल का फासला, वो जरा बईद का जिक्र है, ये जरा करीब की बात है। तुझे ए मुनव्वरे बेनवा, दरे शह से चाहिए और क्या, जो नसीब हो कभी सामना, तो बड़े नसीब की बात है। इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद हमारे नात हज़रात नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।